बात रहेगी प्रेमी भक्तों सरदार भगत सिंह के प्रसंग से, और बात उस समय से रहेगी कि जब सरदार भगत सिंह जेल के अंदर होते हैं तो उनकी माँ विद्यावती उनसे मिलने जाती है। कहने लगती है, बेटा तू आज जेल के अंदर बंद है, अंग्रेजों ने तुझे बंद तो कर दिया, लेकिन तू कभी घबराना मत, अपना ये कदम पीछे मत हटाना, कि माँ तेरी तेरे साथ है, ये धरती माँ तेरी तेरे साथ है, इन अंग्रेजों से मत डरना। और किस तरह से कहने लगी, क्योंकि प्रेमी श्रोताओं बताया, कुछ लाइनें कवि ने लिखी है, बताया कि अमन बिक रहा है चमन बिक रहा है, गौर से सुनिएगा, कि अमन बिक रहा है चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, और बुरा ना मानो तो खुले अल्फाज कह दूं, कुछ कमीनों के हाथों हमारा ये प्यारा वतन बिक रहा है, वतन बिक रहा है, वतन बिक रहा है। और आइए प्रेमी सज्जनों, जो जो अपनी भारत माता से प्रेम करता है, एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा लगाना है। बोल भारत माता की, बोल गौ माता की। और आइए भगत सिंह की माँ, नहीं रुक जा, ये भारतवासी है, मुझे नहीं लगता कितने ने करी जय, सभी ने। अच्छा, भारतवासी कितने बैठे, जरा हाथ उठाना, जो पाकिस्तानी वो हाथ नीचे रखे। नहीं, अब के तो कुछ संख्या सी बड़ी नजर आ रही है, क्या बात है, उठाएंगे हाथ बिल्कुल फक्र से। अरे जिस हिंदुस्तान में रहते हैं उस हिंदुस्तान के लिए हाथ नहीं उठा सकते, क्या बात है, उठाएंगे हाथ और लगाना है जयकारा। बोल भारत माता की, बोले सच्चे दरबार की। और आइए किस तरह से भगत सिंह की माँ भगत सिंह की धीर बांधती है और क्या कहती है, सुने जरा कैसे। हीरे सो सो पड़े मुसीबत बेटा, इसी उम्र जवाने में, क्या बात है के बेटा भगत सिंह, ये अंग्रेज चाहे तेरे ऊपर कितने भी सितम कर ले, कितने भी जुल्म कर ले, लेकिन तू तो घबराना मत, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान तेरे साथ है। और किस तरह से कहने लगी, क्या हीरे सो सो पड़े मुसीबत बेटा, इसी उम्र जवाने में। और यूं कहने लगी, बेटा भगत सिंह, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, हो भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, सो सो पड़े मुसीबत बेटा, सो सो पड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। देखिए बड़े फक्र की बात है, डांस पर तो सभी मान सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसी शहीद की ये देशभक्ति रागनी सुनकर के जिन्होंने मान सम्मान किया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, एक सच्चे हिंदुस्तानी की पहचान है। आइए सुनिएगा कैसे, बता और कहने लगी, क्या हिंदवासी ढंग नया करेंगे, हिंदवासी ढंग नया करेंगे, हिंदवासी ढंग नया करेंगे, हिंदवासी ढंग नया करेंगे, बढ़ाई तेरी सुना करेंगे, बढ़ाई तेरी सुना करेंगे, बढ़ाई तेरी सुना करेंगे, बढ़ाई तेरी सुना करेंगे, शेर की मां मन कया करेंगे, शेर की मां मन कया करेंगे, हिंदुस्तान में, भगत सिंह का नजी घबरा जा तेरा बंद मकान में, हो भगत सिंह का नजी घबरा जा तेरा बंद मकान में, हो 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 हो।
जब भगत सिंह की माँ इतनी बात कहती है तो भगत सिंह के सीने में जोश भर जाता है, कहने लग जाते हैं कि माँ कि जब लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, कि जब लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जहां ऐसे बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। कह दिया प्रेमी सजनों भगत सिंह ने कि माँ इस जज्बते शहादत का क्या करे, इस जज्बते शहादत का क्या करे, जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है और कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। और कहने लग जाते हैं बोलने लगी, धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, भोले पपीहा कोयल गाए, सभी लोग भारत माता से प्रेम करते हैं, जितने भी हिंदुस्तानी बैठे हैं, और सभी को मिलकर मेरे साथ कहना है क्या क्या, वही आ जाओ जहां पे दिया गए जा भी देंगे, और न्यू कहने लगी के बेटा भगत सिंह सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, 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 फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, अगले जन्म में फिर जुड़ूंगी, अगले जन्म में फिर जुड़ूंगी। कहने लगी कि मैं चाहूंगी कि हर जन्म में मैं तुझ जैसी ही संतान को जन्म दूं, अगले जन्म में फिर जुड़ूंगी, अगले जन्म में फिर जुड़ूंगी, अगले जन्म में फिर जुड़ूंगी तेरी संतान ने, भगत सिंह का दजी का विराज तेरा बंद मकान, भगत सिंह का दजी का विराज तेरा बंद मकान। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माखी रंग दे मुझे रंग दे, माखी रंग दे मुझे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माही रंग दे चोला। और कहने लगी
ईसा एक गोरख धंधा बने, ईसा एक गोरख धंधा बने, ईसा एक गोरख धंधा बने, ईसा एक गोरख धंधा बने। आजादी का किला चिने, आजादी का किला चिने, ईसा एक गोरख धंधा बने, आजादी का किला चिने। भगत सिंह जैसे पूत जने, भगत सिंह जैसे पूत जने, मेरे देश महान में। भगत सिंह कदजी घबरा जतेरा बंद मकान, हो भगत सिंह कदजी घबरा जतेरा बंद मकान में। और देखिए अभी 100 रुपए से और मान सम्मान किया था हमारे एक श्रोता ने, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। किस देशभक्ति रागनी पर उन्होंने 100 रुपए से मान सम्मान। और लास्ट बात में पंडित मांगे राम जी ने बताया कि मरना तो सभी को एक ना एक दिन जरूर है, लेकिन जो लोग देश के ऊपर मरते हैं उन्हें मर जाने के बाद भी याद किया जाता है। और जाते जाते भगत सिंह कहने लग जाते हैं, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, कर चले जा फिदा हम तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले श्री मांगे राम गुरु का शरणा, श्री मांगे राम गुरु का शरणा, श्री मांगे राम गुरु का शरणा, श्री मांगे राम गुरु का शरणा। हर की भी नाम में अमर करना, हर की भी नाम में अमर करना, हर की भी नाम में अमर करना, हर की नाम में अमर करना। एक दिन है सबको मरना, एक दिन है सबको मरना, उठाएंगे जो देशभक्त बैठे, एक बार दोनों हाथ उठाएंगे ऊपर बिल्कुल सीधे। और भाई ताली जब तक बजनी चाहिए जब तक गाना खत्म ना हो, बिल्कुल जो पीछे खड़े वो भी हाथ उठाए सच्चे देशभक्त, और हाथ ऊपर ही ताली बजनी चाहिए। और कहना है क्या, भगत सिंह कदजी घबरा जतेरा बंद मकान, हो भगत सिंह कदजी घबरा जतेरा बंद मकान, हो भगत सिंह कदजी घबरा जतेरा बंद मकान, हो भगत सिंह कदजी घबरा जतेरा बंद मकान, भगत सिंह कदजी घबरा।